हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिमा चतुर्वेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय इंग्लिश चैनल द इंग्लिश वे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है सोनेट। सोनेट इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल सॉन्ग और अ लिटिल साउंड। और ये सोनेटो जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड सोनस से लिया गया है, जिसका मतलब भी अ लिटिल साउंड होता है। आप सबको पता है कि सोनेट एक 14 लाइंस की पोयम होती है, 14 लाइंस की एक छोटी सी पोयम, और एक पर्टिकुलर रिदम होती है, और वो रिदम किस में होती है? आयम्बिक पेंटामीटर में। और ये आयम्बिक पेंटामीटर आप जानते हैं क्या होता है? 10 सिलेबल्स होते हैं एक लाइन में, हर एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। ओके ओके, व्हेन इट कम्स टू द टाइप्स ऑफ सोनेट्स, आप कितने टाइप्स जानते हैं? ओके, फर्स्ट इज पेट्रार्कन सोनेट, वेरी गुड। सेकंड इज मिल्टोनिक सोनेट, ओके। थर्ड इज शेक्सपियरियन सोनेट, फोर्थ इज स्पेंसेरियन सोनेट, एंड लास्ट इज कर्टल सोनेट। ये वो सोनेट फॉर्म्स हैं जो हमें किसी न किसी क्वेश्चन फॉर्म में हमें हमारे एग्जाम्स में दिखाई देती हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट आर दीज। आइए तो बात करते हैं पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट की। पेट्रार्कन सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय 14th सेंचुरी इटालियन पोएट पेट्रार्क, और इन इंग्लैंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस व्यात। आप मुझे बताएंगे सर थॉमस व्यात का क्या कोई और भी इंट्रोडक्शन है, आपने कुछ याद आ रहा है आपको कि इन्होंने कोई स्टैंजा फॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया था? ओके, तो हम बात कर रहे हैं पेट्रार्कन सोनेट की। पेट्रार्कन सोनेट दो पैटर्न में होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव इज अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन एंड सेस्टेट इज द स्टैंजा ऑफ 6 लाइन, एंड ये दो स्टैंजा मिलकर के 14 लाइंस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सोनेट। ऑक्टेव का जो उनका स्टैंजा पैटर्न होता है वो ये होता है ए बी बी ए, ए बी बी ए, और सेस्टेट जो होता है वो सी डी ई, सी डी ई होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं एक और सोनेट फॉर्म की, दैट इज मिल्टोनिक सोनेट। मिल्टोनिक सोनेट जो है वो पेट्रार्कन सोनेट ही होता है, इससे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो छोटा सा डिफरेंस है कि जो ये इनके दोनों फॉर्म्स है, ये जो प्लस का मार्क है, मतलब ये दोनों स्टैंजा फॉर्म अलग अलग उसमें दिखाई देते हैं पैटर्न में जब लिखे जाते हैं, बट मिल्टोनिक सोनेट में इनका ये जो रेगुलर स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाता है, और 8+6 जो है ये नहीं रह जाता, एग्जैक्टली 14 लाइन्स वहाँ पर दिखाई देती हैं सीधी सी, बिना किसी बाइफरकेशन के, बिना किसी डिफरेंस के, और वही मिल्टोनिक सोनेट हो जाता है। अब बात करते हैं कि किस किस ने इस सोनेट को प्रैक्टिस किया है अपनी पोयम में। तो ऑब्वियस सी बात है, पेट्रार्कन सोनेट को ही फॉलो किया है मिल्टन ने, क्योंकि मिल्टन 8 और 6 के स्टैंजा फॉर्म्स जो है, जो लाइन्स है, उनको अलग अलग नहीं लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, इसलिए उसे बस मिल्टोनिक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि सोनेट की जो एक जो जनरल थीम होती है, लव थीम, तो क्योंकि मिल्टन प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं, और प्यूरिटन एज का लिटरेचर आप जानते हैं कि वो लव नहीं, लव ओरिएंटेड नहीं था, वो किस पर ओरिएंटेशन था, वो बाइबल पर बेस था, वो एथिकल था, तो उस तरह के लिटरेचर को ये फॉलो करते हैं, उसी तरह की थीम्स इनके सोनेट की भी हैं, ठीक है। दूसरा इसमें वर्ड्सवर्थ आते हैं, क्रिस्टीना रॉसिटी आती हैं, डीजी रॉसिटी आते हैं, इन सभी लोगों ने पेट्रार्कन सोनेट को अपनी सोनेट स्टाइल बनाई है। ओके ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा फॉर्म है शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे से क्या कुछ आपको और भी याद आया? ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में, किसने किया था आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हम शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट की बात करें तो इसमें 3 क्वाड्रेंस होते हैं और एक कपलेट होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 4-4 लाइन के 3 स्टैंजाज होते हैं,
और एक दो लाइन का कपलेट होता है और 14 लाइनें होती हैं। ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, 3 × 4 + 2 = 14। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी, ये 4 लाइनें, सी डी ये 4 लाइनें, ई एफ ये 4 लाइनें, और जी जी ये एक कपलेट, और ये मिल करके बनते हैं शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट। शेक्सपियरियन इसलिए क्योंकि इस फॉर्म का जो सबसे बड़ा प्रैक्टिशनर है वो विलियम शेक्सपियर है, और उन्होंने, आपको पता है, कितने सोनेट्स लिखे हैं, 154 सोनेट्स, और उन्हीं के नाम से इसे शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। इंग्लैंड में अर्ल ऑफ सरे ने इसे इंट्रोड्यूस किया, इंग्लैंड में लिखा गया, इसलिए इसे इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है स्पेंसेरियन सोनेट। यहाँ पर आप दो स्टैंजा फॉर्म्स देख सकते हैं, दो सोनेट फॉर्म्स देख सकते हैं। तो जो ऊपर है ये है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यस सही पहचाना आपने, ये कौन सा सोनेट है, शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट, जिसमें 3 क्वाट्रेन है और एक कपलेट है। नीचे जो आप फॉर्म देख रहे हैं इसमें भी 3 क्वाट्रेन है और एक कपलेट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो पहले क्वार्ट्रेन की लास्ट लाइन है उसी लाइन को आगे उसी रिदम में बढ़ाया गया है। मींस ए बी फर्स्ट क्वार्ट्रेन में अगर बी रिदम पर ख़त्म हो रहा है तो जो अगला स्टैंजा है वो बी रिदम से ही शुरू हो रहा है। तो ये एक कनेक्शन बनाया है स्पेंसर ने अपने सोनेट फॉर्म में, और इसी कनेक्शन की वजह से, इसी डिफरेंस की वजह से हम इंग्लिश सोनेट को स्पेंसेरियन सोनेट इस अलग फॉर्म की वजह से कहते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग क्वार्ट्रेन है, अलग अलग राइमिंग स्कीम हो सकती है, बट स्पेंसेरियन सोनेट में पहले क्वार्ट्रेन की जो लास्ट लाइन है उसे दूसरे क्वार्ट्रेन की फर्स्ट लाइन के साथ राइम किया गया है, दूसरे क्वार्ट्रेन की लास्ट लाइन को थर्ड क्वार्ट्रेन की फर्स्ट लाइन के साथ राइम किया गया है, और एक कपलेट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेराल्ड मैनले हॉपकिंस। इनका भी नाम आप पीछे एक बार कहीं रिकॉल करिए, इनका नाम आपने कहीं सुना है, आपको याद है स्प्रंग रिदम क्या होता है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो कर्टल सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस बाय जेराल्ड मैनले हॉपकिंस। यहाँ पर 11 लाइन्स या 10.5 लाइन होती है, 10.5 लाइन या 11 लाइन आप कह सकते हैं। इसे पोएम्स एक टाइटल करके एक इनका वर्क आया था, और उसका प्रीफेस में उन्होंने एग्जैक्टली यही इक्वेशन लिख करके इसे डिफाइन किया था, 12/2 दैट इज 6, 9/2 दैट इज 4.5, और इसे प्लस करेंगे तो 21/2 दैट इज 10.5। तो ये जो है ये एग्जैक्टली लाइंस हैं जो कर्टल सोनेट में होती हैं। पोएम्स केवल 3 ही पोएम में इसे उन्होंने लिखा है, और ये प्रैक्टिस केवल उन्हीं के द्वारा किया गया है, केवल जेराल्ड मैनले हॉपकिंस ने अपनी 3 पोएम्स में इसे यूज़ किया है। एक तो पाइड ब्यूटी, सेकेंड है पीस, और थर्ड है एश बो। ये 3 पोएम हैं, इन तीनों पोएम्स में कर्टल सोनेट का यूज़ किया गया है। बाकी लोगों ने इसे बहुत कोई एक ऑथेंटिक फॉर्म नहीं माना है सोनेट का, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया। बट क्वेश्चन ये आता है कि हु इंट्रोड्यूस दिस, सो यू हैव आंसर, जेराल्ड मैनले हॉपकिंस। कितनी लाइंस होती हैं, तो 11 लाइंस होती हैं या 10.5 लाइन होती है, और ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, हो सकता है कि आपके किसी काम आ जाए। आगे हमारे पास कुछ सोनेट सीक्वेंस हैं, सोनेट सीक्वेंस या सोनेट साइकिल कहते हैं, और सोनेट सीक्वेंस या सोनेट साइकिल्स वो सोनेट्स या सीक्वेंस होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अ सीरीज ऑफ सोनेट्स आर लिंक्ड टुगेदर, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक स्टोरी, एक थीम या कुछ ऐसा जब हर उसमें फॉलो किया जाता है तो उन्हें हम सोनेट सीक्वेंस या सोनेट साइकिल कहते हैं। कुछ फेमस इंग्लिश सोनेट या सोनेट सीक्वेंसेस जो है वो देखिए कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, 1591 में पब्लिश किया था फिलिप सिडनी ने, एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू पेनेलोप रिच। यस, पेनेलोप रिच, पी ई एन ई एल ओ पी ई आर आई सी एच।
और ये सॉनेट सीक्वेंस जो था इसमें 108 सॉनेट थे, 108 सॉनेट्स, एंड दिस वॉज द फर्स्ट सॉनेट सीक्वेंस ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है अमोरेटी, 1594 में पब्लिश हुआ था, एडमंड स्पेंसर का है, एंड दिस वॉज डेडिकेटेड टू एलिजाबेथ बॉयल, एलिजाबेथ बॉयल, और इसमें 88 सोनेट थे, 88 सोनेट सीक्वेंस थे ये। नेक्स्ट है डेलिया, सैमुअल डेनियल ने इसे लिखा था, पब्लिश कराया था 1592 में। नेक्स्ट है आइडियाज मिरर, 1594 में माइकल ड्रेटन का था, और माइकल ड्रेटन ने इसे डेडिकेट किया था फोएब को, PHOEBE, और ये 64 सोनेट्स का कलेक्शन था। शेक्सपियर के सोनेट आप सब जानते हैं, 1609 में थॉमस थॉर्प ने पब्लिश कराए थे एक साथ इनके सारे सोनेट्स, और आप जानते हैं कि इनके सोनेट्स कितने पार्ट्स में है, यस 126 + 26 + 2, मिस्टर डब्ल्यू एच को डेडिकेटेड है, डार्क लेडी को डेडिकेटेड है, और दो गॉडेस को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट है सोनेट्स फ्रॉम रिवर डडन, 1820 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश कराया था, एक फेमस सोनेट सीक्वेंस है। कहते हैं कि पूरे इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा सोनेट जिसने लिखे हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, अराउंड 500 सोनेट्स। नेक्स्ट है सोनेट्स फ्रॉम द पोर्चुगीज, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, आपको याद आया होगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ, और 1850 में ये कलेक्शन पब्लिश हुआ था, एंड शी रोट इट व्हेन शी वाज इन लव विद मिस्टर ब्राउनिंग। नेक्स्ट है हाउस ऑफ लाइफ, डी जी रॉसिटी का नाम सुना है, करेक्ट, डी जी रॉसिटी प्री रेफलाइट्स पोएट्स का जो ग्रुप है उसमें आते हैं, और डी जी रॉसिटी का जो कलेक्शन है वो है हाउस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बाकी आप मेरे साथ ट्यून रहिए, अगर आप कुछ स्पेशल जानना या समझना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं, आपके आंसर्स मुझे, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स, आई विल वेट फॉर योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स, सो स्टे ट्यून्ड विद प्रतिमा चतुर्वेदी, थैंक यू।